Hello, my dear friends. I'm making this video to learn about the basic of the trading. I'm someone who started trading during the lockdown, and I'm one of the normal person like you as well. I've gone through with the same shortcomings and the stressful day during the initial phase of my trading. So tabhi maine socha, let's share my journey with you guys. सो मेरी जर्नी ऐसी नहीं रहेगी कि आई स्टार्टेड एंड आई लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी देन आई रियलाइज ये वो फिर जाके एक दिन मेरी लॉटरी लग गई. इट्स नॉट लाइक दैट. बस मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और ये बताऊँगा कि ट्रेडिंग सीखी कैसे जाती है. आप हम सब ने ट्रेडिंग सीखने के लिए ट्राई करा है. जब भी हम व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग वहाँ पे सबसे पहले हमें यही बोला जाता है एंड विच इज एक्चुअली ट्रू that okay first you learn then earn and we don't deny that. I'm not talking about those people who take trading as a gambling. I'm talking about my beautiful audience who knows what it takes. But problem वहाँ पर हो जाती है जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम सीखें क्या. वेबिनार अटेंड करा, उन्होंने एक स्ट्रैटजी बताई. We keep on looking for the same strategy in the market and we wait for 2 hours और वो सिग्नल ट्रिगर नहीं होता और हम ट्रेड में कूद जाते हैं एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. आई एम श्योर ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ. लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करा कि ट्रेडिंग हमें कोई भी नहीं सिखा सकता. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि जब हमने ट्रेडिंग सीखने के लिए ट्राई करा या फिर अभी भी कर रहे हैं, हम क्या सीखना चाह रहे हैं हमें यही नहीं पता होता. हमने इंडिकेटर पढ़ लिया, प्राइस एक्शन पढ़ लिया. मे बी आप में से कुछ एडवांस लोग होंगे जिसने ऑप्शन स्ट्रेटजीज पढ़ ली होंगी, OI एनालिसिस, वॉल्यूम प्रोफाइल, यू नेम इट, दे आर सर्टन थिंग्स. सो आई वुड लाइक टू ब्रेक डाउन दैट what we need to learn. So let's start. So things we need to learn in trading. And the reason why I'm saying it, the journey of a lockdown trader, we all have started, most of us have started trading at the time of lockdown. और हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है कि दीज आर द न्यू पीपल हु आर इन द मार्केट, दे विल कम हियर एंड दे विल गिव मनी टू अस एंड दे विल गेट बैंकक्रप्ट, अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा एंड दे विल रन अवे. एंड समवेयर दे आर राइट एज वेल बिकॉज इन आर कंट्री देर इज़ नो मेथडोलॉजी अवेलेबल वेयर समवन कैन लर्न द ट्रेडिंग. तो वो हमें खुद ही करना पड़ेगा. तो वॉट आई हैव फिगर्ड आउट ड्यूरिंग माई जर्नी I'm going to share it with you. So, on this note, just first thing first, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको ये पहले से बता दे कि whether you would be on the call side or put side, whether you would be a buyer or seller. अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आई एम सॉरी टू से जितने भी आपने अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करा होगा टाइम, जितने वीडियोस देखे होंगे, दोज आर यूजलेस, जस्ट थ्रो इट अवे. आई माइट साउंड रूड नाउ कि हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें. इसके लिए आप कुछ भी कर लो, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल, OI एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, हर चीज़ अल्टीमेटली आपको एक ही जगह पे लेके जाएगी. They will give you a trend. So हम कोई भी methodology ख़राब नहीं होती, वो हम पे depend करता है what we like. In my case, I cannot wait for the crossovers. और crossover की trading कुछ भी जैसे moving average crossover होता है तो वो मेरे से बहुत problem होती है मेरे को. And क्या पता मेरा mind frame ऐसा नहीं है. तो आप सबसे पहले the moment you log in to your trading account, within 5 minutes of analysis you should know कि आपको buy side में रहना है या sell side में रहना है. Now the biggest problem with all of us
the lack of capital. Then we move for option buying. And trust me, option buying is a good thing. लोग कहीं पे भी आप ट्रेनिंग लेने जाओ तो वो मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं. ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इतना ज़्यादा हवा बनाया हुआ है. आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर. इन इनिशियल फेज यू हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ड वर्क टू लर्न समथिंग. एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, आपकी साइकोलॉजी सही होगी. अभी आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो, कल को आप जब 2 करोड़ से 1 करोड़ से ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजी की डेफिनेटली ज़रूरत होगी. वहाँ पे आप उतना हाई रिटर्न नहीं कर सकते. एक ऑप्शन में 10 रुपये का ऑप्शन 200 रुपये हो जाता है, वो हम छोटे कैपिटल वाले वेट कर सकते हैं. डू यू थिंक कि वंस यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यू वुड बी टेकिंग दैट रिस्क? तो अभी साइकोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड. ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हमें चाहिए मोमेंटम, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना चाहिए और वो भी अभी जाना चाहिए, तब जाके हम पैसा कमा पाएंगे और प्रॉफिटेबल हो पाएंगे. दूसरी चीज़ है एंट्री और टारगेट. हम सब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कैंडल स्टिक एनालिसिस कुछ भी करते हैं. क्या हमारा ट्रेडिंग सिस्टम हमें प्रॉपर एंट्री दे रहा है? अगर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो लाइक वी शुड बी एबल टू थ्रो दैट अवे. साइडवेज मार्केट रहे, ट्रेंडिंग मार्केट रहे, डाउन ट्रेंड रहे, अप ट्रेंड रहे, हर मोमेंट पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है. ये कहने की बात है कि दिस इज़ नॉट द राइट मार्केट फॉर द ट्रेडिंग. You have to evolve yourself to become a complete trader. Not only कि RSI यहाँ से ऊपर जाएगा, then only I'll buy. You'll have to be like a robotic. The way institution trades, they have to trade every day. It's compulsion. और हमें बताया जाता है we should not be trading every day. And people who are saying that, they are trading every day. यहाँ पे गलती उनकी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग को सिखाना बहुत मुश्किल है. इसको इवेल्युएट करना, इसको, ये एक इंडिविजुअल टैलेंट है और हम सीख सकते हैं उसको. तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, विच इज़, इस पे मैं ज़्यादा डायलॉग नहीं दूंगा, आप लोग सारे समझदार हो. फिर से मैं एक बात बता रहा था, हम सब निफ्टी के लेवल्स देखते हैं कि टुमारो मार्केट इज़ गोइंग टू गैप अप और गैप डाउन. टेल मी वन थिंग, आप में से कितने लोगों को वो लेवल्स याद रहते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रेड? ट्रेड आप अपनी मर्जी से ही करते हो, विच इज़ द फैक्ट. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि 2 घंटे का वेबिनार आपको नहीं सिखा सकता ट्रेडिंग, बिकॉज इट हैज़ टू गेट इन टू योर माइंड फ्रेम. यू हैव टू अलाइन yourself with the market condition. Got it? हम देखते हैं support resistance, candlestick analysis. क्या कभी हमने wait करा है कि वो breakout जो हो रहा है क्या उसके साथ एक consolidation phase आया या नहीं? If it looks like a jargon, don't worry, I'll keep on uploading new videos and I'll simplify the things. लेकिन जहाँ तक चीज़ों की बात है, यहाँ पे अवेलेबल है सब कुछ. एक आइडियल ट्रेडिंग ये होनी चाहिए कि विद इन 5 मिनट्स ऑफ लॉगिन यू शुड नो कि आज का ट्रेंड क्या है, मेरे को एंट्री लेने के लिए कितना वेट करना है, मेरा एग्जिट कहाँ पे होगा. ये आप कहीं से डिसाइड करो, CPR को फॉलो करो, पिवट पॉइंट को करो, मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो. And in coming videos, I'll clutter all those things, like the point number 1, 2, and 3. Another thing which I learned, I've already spoken about that, no one can teach you trading. And yes, we can learn trading from YouTube. Trust me, we can. And anyone can learn. We all are blessed with our great mindset. कोई ज़्यादा टैलेंटेड, कोई कम टैलेंटेड नहीं होता.
ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ वुड यू डू इट एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट और तीसरा क्या बोलते हैं वो लोग डिसिप्लिन इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है अभी आपको इनडिसिप्लिन होना पड़ेगा बिकॉज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के देखो ना उसमें आपका ब्रेकआउट सिस्टम कितना आपको काम दे रहा है 1500 आपने इन्वेस्ट करे हैं स्टॉप लॉस 8 होगा 500 का होगा लेट इट बी ना ऑलराइट सो इट्स माय फर्स्ट वीडियो एंड आई एम नॉट अ यूट्यूबर सो फॉरगिव ऑल दोज टेक्निकल थिंग्स बट वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू I'll simplify the things for you and I've read few books. I'll try to use that methodology here or together we'll learn. Please keep on watching and that's all for now. And I need your love and support and I'm sure together we'll become profitable trader. So signing off for now. Stay blessed and keep on learning. Thank you.